पवन के लिए गन तैयार हो गई है और पवन को अब गन लगने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ, वो ठीक नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत पिछले 5 दिनों से खराब है। तो अभी उसको फाइनली हमने डिसीजन लिया कि उसको इंजेक्शन लगवा देते हैं तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। जीजा जी ये घड़ी देके गए थे, इस घड़ी में टाइम ऐसे कर रहा हूँ तो चलता नहीं है। पता नहीं है, पूछना पड़ेगा फोन करके कि क्या सिस्टम इसके अंदर हो गया, क्योंकि मेरे तो समझ में आता नहीं कुछ भी। जीजा जी से फोन करके पूछूंगा। डॉक्टर साहब को दिखा दिया इसको, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको खाना खिला के लाओ और फिर इसको इंजेक्शन लगा देंगे हम। तो अभी क्या भूखे पेट इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो पहले जाएगा खाना खाने के लिए। 10:28 हो गया तो फिलहाल तो एडिटिंग चल रही है। एडिटिंग के साथ ही अब खाना भी आ गया, तो पहले खाना खा लेते हैं। पवन आज अलग खाएगा, मैं अलग खाऊंगा क्योंकि पवन की तबीयत खराब है, तो वो सादा खाना खाएगा और मैं रात का बचा हुआ चिकन खाऊंगा। खाना आके पीछे रखा हुआ, तो एडिटिंग करते बाद में सबसे पहले खाते खाना। अब जा रहे पवन का इंजेक्शन लगवाने के लिए पैदल पैदल। टेबलेट खाने से बुखार नहीं उतर रहा, तो इंजेक्शन से उतरेगा। पवन थोड़ा सा खाना खा लिया, थोड़ा मैंने भी खा लिया। डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं, उनके घर के बाहर वेट करना पड़ रहा है, तो 5 मिनट वेट करते हैं, फिर इसका इंजेक्शन लगवा के जाएंगे। अब कोई बहाना नहीं। पवन के लिए गन तैयार हो गई है और पवन को अब गन लगने वाला है। डॉक्टर साहब को दिखा दिया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कल भी एक इंजेक्शन लगेगा इसको, यानी इसको 3 दिन का डोज लग गया टोटल। गोलियां दी है इसको डॉक्टर साहब ने। गोली कहां जेब में रख ली? क्या रेंद्र चल जेब में रख ली। तो अब इसको है ना, बस बोला है कि थोड़ा ध्यान देना, ठंडी चीज से दूर रखना। तो ठंडा चीज तो अभी फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर देंगे इसका। इंजेक्शन लगा तो मजा आ गया ना, मेरे को तो इंजेक्शन खाए सालों हो गए, मेरे से इंजेक्शन लिया भी जाता। देख यहाँ पे क्या गंदगी लगी हुई है, मकड़ी का जाला लगा हुआ। तो फिलहाल तो पवन को भेज दिया मैंने घर, पवन घर जा रहा और मैं जा रहा हूँ पवन के एडमिशन के लिए बात करने के लिए। और इसके साथ भी जा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा एडमिशन का काम रह रहा है इसके भतीजे का, तो वो भी देख के आते क्या है। स्कूल ढूंढ रहे हम लोग इधर आ गया, मगर स्कूल का कोई पता ही नहीं। उधर देखा था हमने आगे एक बोर्ड लगा हुआ था, अब इधर स्कूल ही नहीं है। इधर तो घर ही खत्म हो गया, जंगल स्टार्ट हो गया, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई, मगर स्कूल नहीं मिला। स्कूल ढूंढ रहे अभी, अभी किसी से पूछना पड़ेगा, कोई दिख भी नहीं रहा। इधर पूछे ये वाली स्कूल ढूंढ रहे हम, लेकिन ये है किधर? एरो लगा दे पूरा, सेंट पीटर उधर है इस गली में। अभी ऐसे पार करते ये देखो स्कूल आ गई सेंट पीटर। इसको ढूंढ रहे थे हम लोग बहुत देर से, काफी बड़ी स्कूल है। जाके इसमें बात करते हैं एडमिशन का। प्ले ग्रुप टू टेंथ तक है ये। इतने सारे स्कूल घूम लिए कि अब समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में एडमिशन रहा, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। मगर इस स्कूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनकी गाड़ी घर तक नहीं आएगी। सुबह से घूम रहे तब जाके कहीं एक कप चाय पिए, वो भी सतन की तरफ से। उधर क्या हो रहा? अच्छा वो गाड़ी फंस गई जो पीछे धक्का लगा रहा ट्रैक्टर से। देख एक बार में निकाल दिया, ट्रैक्टर में कितनी जान होती है। आज फर्स्ट डे पवन कोचिंग जा रहा है, 11th की कोचिंग है, 2 सब्जेक्ट की है, पता नहीं कौन कौन सी है। तो कोचिंग ये जा रहा है और 2 घंटे वेट मुझे करना पड़ेगा। पवन को क्लासेस में छोड़ आया हूँ, मगर अभी मेरे को 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी क्लासेस चलेगी और मैं घर जाके वापस आऊँ। इतना बड़ा गलती नहीं करूंगा। तो क्या करता हूँ, मार्केट में 2 घंटा राउंड अप करता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, ऐसा मेरा 2 घंटा आराम से निकल जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है तो ये भी फिल हो जाएगा। और थोड़ा सा ना हमको नाश्ता करना, इधर आके भूख लग रही है, तो पहले पेट्रोल डाल के आता हूँ। ₹200 का भरवाऊंगा तो ये वाला डंडा यहाँ तक पहुंच जाएगा आराम से। गलती से कैश पैसे पवन के पास रह गया, अभी फोन पे से काम चलाना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने कहा था वहीं तक सुई चली गई है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा मार्केट काम करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। कभी कभी वो चीजें भी लेनी पड़ती है जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे साबुन की मेरे को कोई जरूरत नहीं थी फिर भी ले लिया मैंने, क्योंकि मेरे को पाउडर चाहिए था। ऐसा साबुन मेरा घर में 3 दिन पड़ा हुआ है, वो फेंक देता हूँ बस, उसको यूज नहीं करता बिल्कुल भी। आज तो मार्केट में कुछ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है, कुछ ज्यादा, इतनी ज्यादा भीड़ तो कभी नहीं दिखी है जितनी है। इधर भी देखो बहुत भीड़। एक्चुअली क्या ना कि अभी स्कूल खुली है ना, तो स्कूल वाले सब शॉपिंग करने निकले होंगे, ड्रेस कॉपी किताब ये वगैरह। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं। देखो रोड पे गाड़ी खड़ी की है, रोड बिल्कुल इतना सा बच रहा है। इसके बाद बच्चों की स्कूल ड्रेस ले लेता हूँ, और अभी भी आधा घंटा है पवन को छूटने में, तो जब तक पूरे मार्केट काम खत्म करेगा। नवदीप स्कूल के कपड़े यहाँ मिलते हैं, तो बच्चों के कपड़े फिलहाल तो देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं। के लिए लेना, निकिता के लेना। ट्रैफिक जाम लग गया है, 2 मिनट का टाइम बचा मेरे पास, पवन की क्लास छूटने वाली है और मैं अभी भी दूर, उससे मेरे को पहुंचने में टाइम लग जाएगा। वो दरअसल क्या हुआ ना कि स्कूल खुली है तो देखो सब बैग वगैरह के वाले के पास भीड़ है, बुक्स वाले के पास भीड़ है, और भयंकर भीड़ है कुल मिला के ये बोल सकते हैं। ₹9:09 हो गया, तो फिलहाल तो खाना आ गया। खाने में बहुत सूखी सब्जी है, देख के कुछ भी मजा नहीं आया, और रोटी है। पवन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, कोचिंग गया था उसके बाद तो और तबीयत खराब हो गई इसकी। रोटी को लेके चल जाए इसको, थोड़ा पराठा की तरह घी में सेक के लिया। पवन को रोटी खाने जा रहा, पराठे खाएगा डायरेक्ट ही। तो सिर्फ इसके ले जा, हमारा कुछ जा रही है, सिर्फ इसका ले जा, मारूंगा ना भी है। तू तो रोटी खा सकता, तेरी तबीयत खराब थोड़ी ना, उसकी तबीयत खराब है। 2 पराठे उसके लिए बना के लिया, 2 बस बहुत है। क्या कह रहा? हो सके तो घी पे बना ला। हम लोग दुआ करेंगे पवन की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, तो फिलहाल तो पहले खाना खाते हैं। एडिटिंग पूरी बाकी है मेरी, मतलब सुबह एडिटिंग छोड़ दी थी ना, अभी तक की नहीं। देखो लैपटॉप ऐसे ओपन है पड़ा हुआ, तो अभी खाना खा के बाकी एडिटिंग करेंगे। 10:15 हो गया है, तो फिलहाल तो भाई ब्लॉग की एडिटिंग कम्प्लीट हो गई। सुबह एडिटिंग चालू किया था और जाके रात में 10:15 पे एडिटिंग कम्प्लीट हुई। एक्चुअली क्या है ना, दोस्तों के साथ बाहर चला गया था, तो उसमें टाइम निकल गया, पता नहीं चला कब दिन भर निकल गया। तो फिलहाल तो पवन की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है, कल इसको एक इंजेक्शन और लगेगा तो ज्यादा सुधार हो जाएगा। पता नहीं पवन कहाँ जा रहा उठ के। अभी हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो छत पे जाके सोएंगे, जबकि कल ही बारिश बंद हुई है। कल तक भी बारिश हो रही थी, फिर भी गर्मी बहुत है, राजस्थान है ना ये। तो फिलहाल तो क्या करते हैं कि इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप
आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और देखो अभी तक मैंने गुड नाइट किया नहीं और वो कूलर पंखा चलाने के लिए पहुंच गया है, क्योंकि क्या ना गर्मी बहुत सतने लग रही है। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।